ही मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे कभी भी बचपन से रहा है, कभी चोट आती है, कभी स्टंट के वक्त या खेलते वक्त, जब मैं दिल्ली में लाल किले के वहाँ खेलता था, कुछ भी होता था, नानिया में दूध में हल्दी, मतलब हल्दी में दूध जो भी है जैसा भी है वो पिला। और जब मैं स्वर्ण साथी के बारे में मैंने सुना कि ये प्रोडक्ट जो है हल्दी के बारे में और इसकी मुझे मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए नहीं। मैंने बकायदा करीबन ना करीबन 5-6 मीटिंग की इनके साथ, इनसे पूछा, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा है। मैं चाहूँगा पहले वो आप ऐड देख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत। So can we have the ad, please? Yes, sure. So actually, we wanted to unveil the ad with you on stage and Mr. Girish on stage, if you will allow. Let them see it now. Okay. Unveil this. So, khade rehne ka nahi? Sir, ek remote dekha. Ek remote aap tarah. Okay. Okay. और प्रिवेंशन क्या है आप सोचिए,
छाता लेके चलते हैं ना बारिश होने से बचने के लिए, तो ऐसी जो इल हैबिट्स की जो चीजें हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और ये और नशे की चीजें खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये उसका छाता है। इट इज अ परमिशन अम्ब्रेला ऑफ दैट। इफ यू विल ईट एवरी डे वन पाउच, इट इज अ सेफ गार्ड। We cannot claim anywhere. We are not claiming anywhere कि इससे आदमी ठीक हो जाएगा। एक दोस्त बैठे हैं यहाँ पर लखनऊ से, वो अरब देखा था, अरबपति आदमी होंगे और बिजनेस है उनका। और जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ मेरे को लेने आते हैं, मैं देखता हूँ कि गाड़ी में एक डिब्बा रखा होता है, वो खाते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों, अभी भी खा रहे थे थोड़ी देर, तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो खाऊंगा, इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाना छोड़ देंगे उनका मुंह गल जाएगा, वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो इट इज अ परमिशन, इट इज नॉट ए क्योर। और जिन लोगों को बाई दफे कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद वो ठीक हो गया, अगर वो इसके 5 से 6 पाउच रोज खा ले तो उनके लिए उनको आगे एग्रीवेट नहीं हुआ कैंसर। और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपके माउथ में थोड़ी देर, मुंह में आपके थोड़ी देर रहेगा भी, क्रंचिंग मंचिंग इफेक्ट होता है वो भी हमने दिया है ताकि आपके माउथ में वो थोड़ी देर रहे। जैसे जिनको आदत होती है वो कंटिन्यूस खाते हैं, तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। अगर छोड़ना चाहें लोग तो बहुत अच्छा। इट इज अ मैसेज, वी डोंट वांट कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें। गुटखे के 50 पैकेट खा जाते हैं, 20 पैकेट खा जाते हैं, कितना खा जाते हैं, मैं बोलता हूं वो नहीं चाहिए हमें, ऐसा सेल्स कंपनी का नहीं चाहिए। सर लेकिन आपने अभी बताया कि इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है कि वो लोग खाना, टेस्ट अगर टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खाना भी घर पे नहीं खाते ना। घर पे अगर आपकी वाइफ सब्जी ठीक नहीं बनाएगी तो खा लें क्या? अभी आप कह देंगे जबकि वो 25 साल से अच्छा रह रही हो, तो टेस्ट की बात है पेशेंट के लिए। और जो कैसे गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो टेस्ट अच्छा होना ही है। सर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं जो आप उसको क्लेम कर रहे हो, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो दावा करते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका गुटखा ठीक हो जाएगा, आप इस पे कितना जोर दोगे? हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ कैंसर से प्रिवेंशन के लिए है, बहुत अच्छे से प्रिवेंशन के लिए। हम जोर नहीं, हम इसको आपको लिख कर देते हैं, जो इसको खाएगा उसको कैंसर होने से बच जाएगा। पर ये नहीं कहते कि इट इज प्योर, जिसको कैंसर हो चुका है उसका क्योर हो जाएगा। बैड ट्रैफिक सिस्टम की वजह से होता है, बैड ट्रैफिक सिस्टम। और गवर्नमेंट भी क्या करें, जब 100-100 करोड़ लोग होंगे, सड़कें भी इतनी ज्यादा नहीं होती, टूट जाती है, बारिश होती है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक सिस्टम में जब काम लगेगा तो धुआं निकलेगा डेफिनेटली, तो उसका भी असर होता है। और देखिए इस देश के बहुत सारे ज्यादा जनता गरीब है और सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, चीनी, पान, गुटखा, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं। लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो सेवन करते हैं, आप ये छोड़ दें? अक्षय जी अगर आप सरकार, आप इतने दूर मुझे सुनाई नहीं दे, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफी इन सारी चीजों का काफी सेवन करते हैं, तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीजें छोड़ दें? अरे बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है। और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें, और बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती हैं, और मैं
मैं यही चाहूंगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेजूंगा इसके लिए। ओके अक्षय जी, वॉलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, वॉलेट एक प्रेम कथा चैनल में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है वॉलेट हीरो। चैनल में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें कितने एक्साइटेड हैं आप? उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके, खास करके बड़े स्टार्स कर दे तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं उसे फॉलो करते हैं, सो आई होप हम इससे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट। हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी, और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी। और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज है, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं आयुर्वेदा में आती हैं जो कि बहुत फायदेमंद होती है, और हम उसको हमेशा देखते नहीं है, उस पर जोर नहीं करते, अलग रहते समझते हैं। बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ, कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बनती है, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। इसे स्मरण शक्ति को थोड़ा पीछे होना पूरा दादा दादा